गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पंडाल अष्टमी का लुक आप देख सकते हैं। अब तो मेरे को कोई खास बना नहीं है, मेरा फोन हमेशा एंड टाइम पे कटअप होता है जब हमको कहीं जाना रहता है। तो हाँ, तो आज हम लोग चलते हैं दुर्गा पूजा देखते हैं यहाँ का कैसा लग रहा है, कैसा पंडाल है और कैसा मूर्ति है। तो अष्टमी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अब पुष्पांजलि करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग को दिया जाएगा आपको कुछ फूल और बेलपत्र मिलेंगे। देखिए वहाँ से कमेटी मेंबर्स के कुछ लोग आ रहे हैं गाइस, हम लोग को बेलपत्र पुष्प देंगे ताकि हम लोग माता रानी का पुष्पांजलि कर सके। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, मैंने फिर भी ले लिए अच्छे से। अब मेरे तो पुष्पांजलि के लिए फूल बेलपत्र मिल गई, मुझे बहुत ही मुश्किल से लिए मैं। गॉड बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये देखिए मेरे हाथों में बेलपत्र और पुष्प मिले मुझे और नो गिर गया कुछ, कौन सा फूल गिरा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आज महाअष्टमी की पूजा है तो भीड़ तो होगी ही। देख सकते कितना ज़्यादा भक्तजन लोग आए हुए हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माँ दुर्गा की ब्लेसिंग लेने के लिए। माँ दुर्गा भी बहुत ही प्यारी दिख रही है, सब यहाँ पर एकदम ले लिए हैं पुष्पांजलि और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब स्टार्ट हो जाए। गाइज मैंने तो यहाँ पर पुष्पांजलि दे दी है तो अब इंतज़ार करते हैं आरती की। फ्रेंड्स अचानक से यहाँ पर लाइट चली गई और नो, बहुत गर्मी भी लग रही है। आरती होने वाला था स्टार्ट लेकिन अभी तो लाइट ही चली, लाइट आ गई। अब चलिए हम लोग आरती स्टार्ट होता है, अब चलिए आरती देखते हैं माता रानी। आरती ख़त्म हो गई है तो हम लोग बाहर आ गए हैं, मंदिर से बाहर निकल गए हैं। तो अगर जाकर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय बाय।